हाय फ्रेंड्स, दिस इज शशांक दलेला और आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है तीन। और ये मूवी रिलीज हुई है आज फ्राइडे को ही। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को देखने का प्लान बनाया है या बनाने जा रहे हैं तो एक बार इस मूवी के रिव्यू को जरूर देखें सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्टेड टू गो टू वॉच द मूवी इन द मल्टीप्लेक्स ऑफ थिएटर और यू वॉन्टेड टू इन्जॉय द मूवी इन द एट योर होम ऑन डीवीडी और द केबल टेलीविजन। तो ये मूवी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिभु दास गुप्ता ने, बंगाली डायरेक्टर हैं। और मूवी के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक प्रोड्यूसर हैं सुजॉय घोष। सुजॉय घोष ने लास्ट जो मूवी बनाई थी दैट वाज कहानी विद विद्या बालन एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक बहुत बड़ी सस्पेंस, बहुत बड़ी सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर थी। तो अगर आप इस मूवी का प्रोमो देखेंगे तो आपको इस प्रोमो को देखने के बाद काफ़ी हद तक उसी कहानी मूवी की झलक दिखाई देगी, क्योंकि मूवी उसी कोलकाता की सकरी गलियों में बेस्ड है। कोलकाता की पुलिस डिपार्टमेंट और कोलकाता का पूरा एनवायरनमेंट है मूवी के अंदर। तो मैंने जब उस मूवी का ट्रेलर देखा था तो मुझे काफ़ी हद तक कहानी की ही फील आ रही थी, क्योंकि जो डायरेक्टर है या प्रोडक्शन हाउस है वो वहीं से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने पहले बना चुके हैं। तो फिलहाल हम मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी का जो स्टोरी बैकग्राउंड है वो ये है कि अमिताभ बच्चन एक ओल्ड एजेड इंसान की भूमिका में, एक दादा की भूमिका में, ग्रैंडफादर की, जिसने 8 साल पहले अपनी पोती को एक ऐसे एक किडनैपिंग के तहत खो दिया था जो बेटी उन्हें कभी नहीं मिली। तो किडनैपिंग के तहत खो दिया था, उनका मर्डर हुआ था उसकी बेटी का। तो मूवी स्टार्ट इसी उसी इंसिडेंट के साथ होती है और अब 8 साल बाद फिर वापस एक बच्ची का दोबारा किडनैप होता है और वापस कहानी उसी मोड़ पर आ जाती है जहाँ 8 साल पहले थी। तो अमिताभ बच्चन के टाइम जब इंसिडेंट हुआ था उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे और उस केस में इन्वॉल्व थे। बट उस टाइम से लेकर आज के बीच में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो एक चर्च में एक प्राइस्ट और एक पादरी की भूमिका में आ चुके हैं और उन्होंने पुलिस की जो तो ड्यूटी है वो छोड़ दी है, वो एक पादरी की भूमिका प्ले करते हैं। तो इस टाइम जो करेंटली, हाँ, तब से लेकर अभी तक में जो पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं, जो जो उसमें पुलिस में जो है इसमें इंस्पेक्टर हैं, वो विद्या बालन ने उनका रोल प्ले किया है। और अमित जी जैसे कि दिखाया मूवी के अंदर, हर साल हर दिन उस पुलिस चौकी में जाकर वो पता करना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी पोती का क्या हुआ, उसके कातिलों का क्या हुआ है, जो कुछ भी है वो सब वहाँ पता करना चाहते हैं। तो कुल मिला के मूवी उसी तरह की कहानियों में चलती रहती है, किस तरह उस लड़की का किडनेप हुआ, नई बच्ची का, और जो तीनों जो मेन पार्ट है मूवी के, नवाज़, विद्या और अमित जी, ये तीनों अपने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपने अपने एंगल से कातिल का या मर्डर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा इस बारे में मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि मैं आपको सस्पेंस डिस्क्लोज कर दूं मूवी का और मूवी ख़राब हो जाए। तो आई डोंट वॉन्टेड टू डिस्कस मोर अबाउट स्टोरी। सो आप बाकी हम बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में। अमिताभ बच्चन जैसा कि वेल नोन है कि इज़ अ वेरी बेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड, ही इज़ कॉल्ड द महानायक ऑफ आवर इंडस्ट्री। अमित जी ने एक नया रोल किया है और काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। आपको, आप जब मूवी देखेंगे तो आपको उनका पेन फील होगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन में आप अपने आप को उनके साथ फील करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक तरह से दो डिफरेंट करेक्टर प्ले किए, एक पुलिस वाला, एक एक जो प्रीस्ट वाला, एक सस्पिशियस था उनका करेक्टर है, थोड़ा ग्रे ग्रे शेड सा करेक्टर है, ही प्लेड इट वेल। विद्या बालन थोड़ी ओवरवेट हैं, मतलब उनको शायद थोड़ा अपने बॉडी पे काम करना चाहिए कि अगर इस तरह उन्हें मूवीज़ में काम करना है तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक्टिंग वाइज शी इज़ गुड, हम सबको पता है कि वो कैसी एक्टिंग करती है। पास्ट में 4-5 फिल्म फेयर अवार्ड कंटिन्यूस में मिले हुए हैं, तो नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है, तो वी ऑल नो दैट शी इज़ अ वेरी नाइस एक्ट्रेस, बट उनको अपने अपने वेट के ऊपर काम करना चाहिए। तो एक्टिंग वाइज ऑल थ्री आर गुड। फिल्म की बात करें तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और म्यूज़िक का बैकग्राउंड जो है वो भी ठीक है। कहानी की पेस अगर हम देखें तो सस्पेंस मूवी के हिसाब से मूवी का पेस भी ठीक है, मूवी सही पेस से चलती है। अगर हम एंड की बात करें तो कई बार हमें ऐसा फील होता है कि यार इस कहानी का अगर यही एंड होना था तो पहले भी हो सकता था, इसको इतना ले जाने की ज़रूरत क्या थी। तो बट आई थिंक अगर सब कुछ पहले होता तो मूवी इतनी लंबी बनती कैसे, 140 मिनट की मूवी है तो 140 मिनट्स की मूवी बनती कैसे। डायरेक्टर को भी मूवी बनानी है, कहानी को खींचना है तो इतना सब करना पड़ता है। तो ओवरऑल सभी की अच्छी एक्टिंग की है, डायरेक्शन अच्छा है। और हाँ, वन मोर थिंग, ये मूवी बेसिकली कोरियन मूवी है, मॉन्टेज उसका ऑफिशियल रीमेक है। तो अगर आपको ओरिजिनल मूवी देखनी है यू कैन वॉच दैट कोरियन मूवी मॉन्टेज। और बाकी अगर हिंदी मूवी को एंजॉय करना है तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस मूवी। अगर आप इस वीकेंड एक थिएटर में मूवी देखना चाहते हैं टाइम पास करने के लिए तो आई विल रिकमेंड दिस मूवी। दिस मूवी इज़ रियली गुड, यू कैन एंजॉय द मूवी। और दैट्स इट, दैट इज़ फॉर द मूवी। आई विल रेट इट एज ए 3.5 स्टार आउट ऑफ 5।
इट्स ओके ओके मूवी, यू कैन वॉच इट, देर इज नथिंग बैड. यू विल नॉट फील वाई आई केम इन द थिएटर टू वॉच द मूवी, आई वॉन्ट माई मनी वेल. सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी. सो गाइज गो इन द मल्टीप्लेक्स, एंजॉय द मूवी, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय. एंड डू वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. हर किसी की अपनी चॉइस है, आप डिसलाइक करना चाहते हैं, यू आर कम्प्लीटली वेलकम टू डिसलाइक द वीडियो और लाइक द वीडियो. पर प्लीज़ डू गाइज, प्लस गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल माई, दैट्स इट. ओके, बाय बाय.